हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टार्ट वीडियो नंबर 4 फ्रॉम द लेसन माय चाइल्डहुड, रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन नामक पाठ की ये वीडियो नंबर 4 है। और वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 3 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और क्लियर भी अधिक होगी। तो स्टूडेंट्स, जब स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में एक नया अध्यापक आए और उसने बालक अब्दुल कलाम को एक ब्राह्मण बालक के पास में बैठा हुआ देखा तो उसने बालक अब्दुल कलाम को पीछे की सीट पर बैठ जाने के लिए कहा और वह उठ करके वहाँ से पीछे की सीट पर बैठ गए। और जब वो जाकर के बैठे तो इस बात का उन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ। और उसी प्रकार से जो ब्राह्मण बालक था रामनाथा शास्त्री, उसको भी बहुत दुख हुआ। और उस दुख की भावना का बालक अब्दुल कलाम पर बड़ा ही चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। तो आइए चलते हैं, इसके बाद क्या होता है, पैराग्राफ शुरू करते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, आफ्टर स्कूल, छुट्टी के पश्चात, स्कूल की छुट्टी के पश्चात, वी वेंट, हम गए होम अपने अपने घर, एंड टोल्ड, कहा अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने अपने माता पिता से कहा या अपने अपने माता पिता को बताया, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। जो स्कूल में घटना घटी नए अध्यापक के द्वारा, उस घटना को घर जाकर के सब ने अपने अपने माता पिता से कहा। लक्ष्मण शास्त्री समंड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलवाया, समंड में बुलवाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, अर्थात वहाँ पर कक्षा के अंदर जितने भी बालक बैठे हुए थे उन सब की उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, अध्यापक से कहा, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। ही शुड नॉट स्प्रेड, उसे नहीं फैलाना चाहिए, स्प्रेड मीन्स फैलाना, द पॉइजन, जहर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सोशल में सामाजिक, इनइक्वलिटी मीन्स असमानता, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल कहते हैं सांप्रदायिक, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, इन द माइंड्स, मस्तिष्कों में या मनो में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, अबोध बालकों के, भोले भाले बालकों के मस्तिष्क में सांप्रदायिक असहिष्णुता और सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। इस बारे में लक्ष्मण शास्त्री जी, जो रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुरोहित, उच्च पुरोहित थे, उन्होंने टीचर को बुला करके बालकों की उपस्थिति में ये कहा कि उसे भोले भाले बालकों के मस्तिष्क में सांप्रदायिक असहिष्णुता और सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए।
ही ब्लंटली, ब्लंटली मीन्स तपाक से, स्पष्ट से, स्पष्ट रूप से, आस्क्ड मीन्स कहा, द टीचर टीचर से, टू आइदर अपोलो जाइज, अपोलोजाइज मीन्स क्षमा याचना करना, कि वह या तो क्षमा मांगे और या क्विट छोड़े, क्विट में छोड़ना द स्कूल, स्कूल को, एंड द आइलैंड और द्वीप को। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर से, अध्यापक से स्पष्ट रूप से कहा कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल और द्वीप को छोड़ करके चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर, नॉट ओनली, न केवल, डिड द टीचर रेग्रेट, रेग्रेट मीन्स पछतावा करना, तो न केवल टीचर ने पछतावा किया हिज बिहेवियर अपने व्यवहार पर, न केवल टीचर को अपने व्यवहार का पछतावा हुआ, बट बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस, तीव्र स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, बट बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस, तीव्र भावना, तीव्र भाव ऑफ कन्विक्शन, धारणा के, विश्वास के, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, कन्वेड में प्रेषित किया, यानी कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा प्रेषित धारणा के तीव्र भाव ने अल्टीमेटली आखिरकार रिफॉर्म्ड, सुधार दिया दिस यंग टीचर, इस युवा अध्यापक को। न केवल उस अध्यापक ने अपने व्यवहार पर पछतावा किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री की धारणा के तीव्र भाव ने प्रेषित, निकी जो लक्ष्मण शास्त्री का प्रेषित धारणा का तीव्र भाव था, उसने आखिरकार उस युवा अध्यापक को सुधार दिया, या उसने अपने अंदर सुधार कर लिया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. On the whole, कुल मिलाकर के, the small society, छोटा समाज, छोटा सा समाज of Rameswaram, Rameswaram का, कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज वाज वेरी रिजिड, बड़ा कठोर था, इन टर्म्स ऑफ के मामले में, ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं अलगाव, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में, कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज बहुत कठोर था। इस प्रकार से अलगाववाद की भावना को, बात को, रामेश्वरम का छोटा सा समाज सहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हाउएवर, माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ ए रेबल। हाउएवर, किंतु माय साइंस टीचर, मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर, यानी कि जो अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक थे, उनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर था, दो एन ऑर्थोडॉक्स, यद्यपि वे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी थे, अंधविश्वासी या रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, और विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ,
और उनकी पत्नी भी, कंजर्वेटिव कहते हैं रूढ़िवादी, और उनकी पत्नी भी रूढ़िवादी थी, यानी कि किंतु अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर यद्यपि रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही अधिक रूढ़िवादी थी, वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, समथिंग मीन्स कुछ, ऑफ ए रेबल विद्रोही, वे कुछ कुछ विद्रोही थे, उनका स्वभाव विद्रोही प्रकार का था। किस प्रकार का विद्रोही था, आइए आगे पैसेज में देखते हैं। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। जो शिव सुब्रमण्य अय्यर, उनके किसके, अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक थे, वे कुछ कुछ विद्रोही थे, किस प्रकार से इस पैसेज में क्लियर होता है। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की या भरसक प्रयास किया टू ब्रेक तोड़ने का, सोशल बैरियर्स सामाजिक बंधनों का, बैरियर्स कहते हैं बंधन, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, सो दैट ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, पीपल लोग फ्रॉम वेरिंग अलग अलग विभिन्न बैकग्राउंड्स, पृष्ठभूमि के, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग कुड मिंगल इजीली, मिंगल मीन्स मिलना, घुल मिल जाएं, घुलना मिलना, आपस में मिल जाएं, इजीली मीन्स आसानी से, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आसानी से आपस में घुल मिल जाएं। तो इस प्रकार के विद्रोही थे जो सामाजिक बंधन थे उनको तोड़ा और ताकि विभिन्न समुदाय के लोग आपस में आसानी से घुल मिल करके रहें, किसी प्रकार से जाति पाति का, धर्म का कोई मतभेद ना रहे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, ही यूज्ड टू स्पेंड, वो बिताया करते थे, स्पेंड मीन्स बिताना, ऐसे खर्च करना होता है, पैसे के मामले में आता है तो खर्च करना, समय के लिए आता है तो बिताना आता है। ही यूज टू स्पेंड, वो बिताया करते थे आवर्स, घंटों विद मी, मेरे साथ, वो घंटों मेरे साथ बैठ करके बातें क्या करते थे या बिताया करते थे समय को। एंड और वुड से कहा करते थे, क्या कहा करते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। वो कहते थे शिव सुब्रमण्य भारती कलाम, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ यू टू डेवलप, कि तुम विकास करो, सो दैट, ताकि विकास करो, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो, तुम उन्नति करो, सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार विद, ऑन पार विद मीन्स बराबरी करना, दी हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित पीपल, लोगों से, ऑफ द बिग सिटीज, बड़े शहरों के। सुब्रमण्य अय्यर कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो ताकि तुम बड़े शहरों के लोगों के, बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर हो जाओ या हो सको। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की सोच अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक सुब्रमण्य अय्यर की थी। वो ब्राह्मण थे और अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, फिर भी किस तरह की सोच थी उनकी, इस तरह की सोच आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। वन डे
ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। आगे अब्दुल कलाम कहते हैं, वन डे एक दिन ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। किसने? सुब्रमण्य अय्यर ने। सुब्रमण्य अय्यर ने अब्दुल कलाम को आमंत्रित किया टू हिज होम, अपने घर पर, फॉर ए मील, भोजन के लिए। जो विज्ञान के अध्यापक थे सुब्रमण्य अय्यर, जो एक ब्राह्मण थे रूढ़िवादी, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया एक दिन। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वाज हॉरिफाइड, भयभीत थी, एट द आइडिया, विचार से, ऑफ ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के, बीइंग इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने से, टू डाइन, भोजन करने के लिए, इन हर रिचुअली, उनकी अपनी, रिचुअली मीन्स विधि विधान से, प्योर पवित्र किचन मीन्स रसोई। उनकी पत्नी अपनी विधि विधान से पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के के भोजन किए जाने के लिए आमंत्रित करने के विचार से भयभीत थी। उनको लगा, अरे हम तो ब्राह्मण हैं और एक मुस्लिम लड़का हमारे यहाँ इस पवित्र विधि विधान से पवित्र रसोई में खाना खाएगा। इस विचार से विज्ञान के अध्यापक सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी भयभीत थी। शी रेफ्यूज्ड टू सर्व इन द किचन। शी रेफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया टू सर्व, भोजन परोसना, इन द किचन, किचन में। यानी कि सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने अब्दुल कलाम को अपनी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड। जब सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने अब्दुल कलाम को अपनी रसोई के अंदर भोजन परोसने से मना कर दिया, तो इस बात से शिव सुब्रमण्य अय्यर परेशान नहीं हुए। वाज नॉट परटर्ब्ड मीन्स डिस्टर्ब्ड, परेशान नहीं हुए। परटर्ब्ड का मीन्स होता है परेशान होना, परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ध्यान दीजिए, और नहीं वे डिड नॉट, नॉट डिड ही गेट एंग्री, वे नाराज भी नहीं हुए विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, और वो अपनी पत्नी से नाराज भी नहीं हुए। भाई तूने अब्दुल कलाम नाम के बालक को भोजन क्यों नहीं परोसा? ना तो परेशान हुए और ना ही अपनी पत्नी से नाराज हुए। बट, परंतु, इंस्टेड, इसके बजाय, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि इसके बजाय सर्व्ड मी, मुझे भोजन परोसा विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से। सुब्रमण्य अय्यर ने अपने हाथों से अब्दुल कलाम को भोजन परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। एंड सेट डाउन, और बैठ गए बिसाइड मी, मेरे पास, मेरी बगल में, टू ईट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए वे मेरे समीप, मेरे पास में, मेरी बराबर में बैठ गए। तो किस प्रकार का व्यवहार उस समय पर एक ब्राह्मण परिवार ने अब्दुल कलाम के साथ किया, कितनी अच्छी बात थी, और उस अच्छी बात को ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा, ताकि हम सब भारतीयों के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।